हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो कि आया है पावर ग्रिड की तरफ से। पीजीसीएल 2024 रिक्रूटमेंट फॉर द वैकेंसी ऑफ ट्रेनी इंजीनियर। पीजीसीएल जो महारत्न पीएससी है उसकी तरफ से ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 47 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया है। ये पूरा एक डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज, ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। टोटल 47 वैकेंसीज है, इस तरीके से कैटेगरी वाइज इसका बाइफर्केशन कर रखा है। इसके बाद अगर हम देखें एलिजिबिलिटी, तो सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम बीटेक बीएससी इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। कौन से डिसिप्लिन? अगर आपका इलेक्ट्रिकल में है बीटेक बीएससी, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी में भी अगर आपने बीटेक या बीएससी कर रखा है तो आप इस पीजीसीएल के ट्रेनी इंजीनियर वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और हाँ, इसी के साथ में एक और एलिजिबिलिटी दे रखी है, वैलिड स्कोर इन गेट 2024। गेट 2024 का वैलिड स्कोर आपके पास होना चाहिए, उसी के बेसिस पर आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी थोड़ी देर में हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वहां पर आपके लिए सबसे पहले ये एसेंशियल हो जाएगा कि अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो उसी के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है 28 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। बॉन्ड के बारे में भी यहाँ पर बता रखा है, 5 लाख का बॉन्ड है फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, और 2.5 लाख का बॉन्ड है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। इसी के साथ में अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले वैलिड ग्रेड स्कोर, देन उसके साथ में फिर बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है इस पीजीसीएल ट्रेनी इंजीनियर के सिलेक्शन के लिए। अब यहां पर सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में वो क्या करेंगे, आपके जो गेट स्कोर है उसको 100 में से नॉर्मलाइज्ड करेंगे, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 में से नॉर्मलाइज्ड करेंगे, और उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को फॉर देयर नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड मीन्स बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। इसके लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के, जो गेट के मार्क्स है उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसके बाद आपका जीडी इंटरव्यू होगा। इसमें एक बात और लिखी हुई है कि जो आप जीडी और इंटरव्यू देंगे वो जीडी इंटरव्यू आप कैंडिडेट शॉल हैव द ऑप्शन फॉर अपियरिंग इन द जीडी इंटरव्यू इन हिंदी और इंग्लिश। कई बार डर रहता है कि सर इंग्लिश में नहीं दे पाएंगे, हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो वहां पर यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप अपना जीडी और इंटरव्यू दे सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है इसको ऑप्ट करने का। अब यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके लिए इन्होंने फिक्स कर रखा है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें 85% वेटेज रहेगा गेट मार्क्स का, 3% वेटेज रहेगा जीडी का, एंड 12% वेटेज रहेगा पर्सनल इंटरव्यू का। इस तरीके से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, आपको अगर इस वैकेंसी के लिए अपेयर होना है तो गेट मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए नॉर्मलाइज, ताकि वो अच्छे हों, ताकि आपको यहाँ पर वेटेज ज्यादा मिले। देन उसके बाद फिर 15% आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का, उसके बेसिस पर आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। तो ये था पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि इस नोटिफिकेशन में देखने को मिली है। तो आप में से वो कैंडिडेट जो कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, पूरा नोटिफिकेशन आप अच्छे से देख लें और जो भी टर्म्स कंडीशन उनको आप अच्छे से देख लें, और देन अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिना देरी करें आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू द पीजीसीएल 2024 एज अ ट्रेनी इंजीनियर। आगे और भी वैकेंसी के फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, जितनी भी टेक्निकल वैकेंसीज हैं उन सारे के सब एग्जाम्स के जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उन सबके अपडेट आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आपने अगर इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। और हाँ, आरआरबी, एसएससी या मैं कहूँ कोई भी ए और जेई एग्जाम्स हैं उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि लास्ट जितनी भी वैकेंसीज हैं लास्ट 2000
11 से लेके अभी तक टोटल 50 प्लस ऑल इंडिया रैंक्स 1 दे चुका है इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग। तो आप उस प्लेटफॉर्म पे हैं जो कि मोस्ट ट्रस्टेड मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम के साथ बना हुआ है। तो आप भी अगर अपनी एई और जेई एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो बिना देरी करें अभी डाउनलोड करें निम्बस लर्निंग ऐप, विजिट करें, एक्सप्लोर करें सारे कोर्सेस और शुरू करें अपनी एई और जेई की सिलेक्शन वाली तैयारी। आप भी पढ़ें वहां से, टॉपर्स पढ़ें जहां से। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.